तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है। तो आपको याद रखना है ये संबंधित है मेवाड़ रियासत से। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखना है ये वर्णन मिलता है जयपुर राज्य का, या ठीक है, जयपुर राज्य का वर्णन मिलता है किससे, दस्तूर कोमवार से। अगला सवाल है कि मानमौरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि मानमौरी शिलालेख जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको याद रखना है यह संबंधित है चित्तौड़ क्षेत्र से, ठीक है, चित्तौड़ क्षेत्र से संबंधित कौन सा शिलालेख है, तो आपको याद रखना है मानमौरी शिलालेख है जो चित्तौड़ क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला सवाल है कि बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो अभिलेख हैं ये संबंधित है मोखरी वंश से, ठीक है, मोखरी वंश से संबंधित है कौन सा स्तंभ, तो आपको याद रखना है वह है यूप स्तंभ अभिलेख जो मोखरी वंश से संबंधित है और एक कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बड़वा ग्राम से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, वापस से एक बार पढ़ो प्रश्न को कि चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। तो आपको याद रखना है ये उल्लेख करता है मेवाड़ के गुहिल शासकों का, ठीक है, मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख करता है, कौन सा शिलालेख, तो वह शिलालेख है चिरवा शिलालेख। अगला सवाल है कि सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी, ठीक है, तो ये जो ग्रंथ है या ये जो पुस्तक है ये लिखी थी जीएन शर्मा ने, ठीक है, जीएन शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान है जो लिखी थी, किसने लिखी थी, जो जीएन शर्मा ने लिखी थी। अगला सवाल है कि अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है, क्या प्रश्न वापस से पढ़ो कि अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है वह कृति है मिफ्ताउल फुतू, ठीक है, मिफ्ताउल फुतू वह कृति है और ये कृति किसकी है, तो अमीर खुसरो की कृति, ठीक है, अमीर खुसरो की कृति मिफ्ताउल फुतू जिससे जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख है जो प्राप्त होता है, किस कृति से प्राप्त होता है, तो मिफ्ताउल फुतू से प्राप्त होता है और ये कृति है किसकी, अमीर खुसरो की। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो वह युग्म कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है, तो वह युग्म है भरतपुर के सिक्के मदनशाही और ये जो युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है, तो यह कहाँ पर चिन्हित किया गया है, तो आपको याद रखना है यह चिन्हित किया गया है ब्राह्मी पांडुलिपि में, ठीक है, ब्राह्मी पांडुलिपि में क्या किया गया है, बर्ली स्टोन एपिग्राफ या शिलालेख है जो चिन्हित किया गया है, कहाँ पर किया गया है, ब्राह्मी पांडुलिपि में। अगला सवाल है कि बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया अभिलेख का काल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो काल है वह है 1170 ईस्वी, ठीक है, 1170 ईस्वी जो है वह बिजोलिया अभिलेख का काल है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है, तो वह जोड़ा कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, तो वह जोड़ा है मदनशाही बीकानेर और यह जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि पद्मावत के लेखक कौन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि पद्मावत के जो लेखक है वो कौन है, तो पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उन्होंने पद्मावत लिखी थी। अगला सवाल है कि सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण कृति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर जिसको अपूर्ण थी वो किसने पूर्ण किया, तो आपको याद रखना है इसको जो पूर्ण किया था वो किया था
मुरारीदान ने, ठीक है। मुरारीदान वो लेखक थे जिन्होंने वंश भास्कर को पूर्ण किया था, ठीक है। किसने किया था? तो मुरारीदान ने पूर्ण किया था। कौन सी कृति? तो वंश भास्कर कृति। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह जो ग्रंथ है वह ग्रंथ है कानड़ दे प्रबंध, ठीक है। कानड़ दे प्रबंध वह ग्रंथ है जिसे क्या प्राप्त होता है? तो कानड़ दे प्रबंध से प्राप्त होता है अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण है जो मिलता है। किस ग्रंथ से मिलता है? तो कानड़ दे प्रबंध से मिलता है। अगला सवाल है कि राज प्रशस्ति का काल है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज प्रशस्ति का जो काल है वह है 1674 ईस्वी, ठीक है। 1674 ईस्वी जो है वह राज प्रशस्ति का काल है। अगला सवाल है कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वंश भास्कर जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो आपको याद रखना है वंश भास्कर लिखा गया है डिंगल भाषा में, ठीक है। डिंगल भाषा में लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो वंश भास्कर लिखा गया है। अगला सवाल है कि बरेली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है और ये प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है वो आपको बताना है। तो ये जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है अजमेर ज़िले में, ठीक है। अजमेर ज़िले में प्राप्त हुआ है। कौन सा शिलालेख? तो बरेली शिलालेख है जो प्राप्त हुआ है। और ये किसके काल से पूर्व का माना जाता है? तो ये अशोक के काल के पूर्व का माना जाता है। कौन सा शिलालेख? तो बरेली शिलालेख। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अजमेर ज़िले से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो शिलालेख हैं ये लिपिबद्ध हैं संस्कृत भाषा में, ठीक है। संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है कौन सा शिलालेख? तो आपको याद रखना है वह शिलालेख है घोसुंडी शिलालेख जो संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। अगला सवाल है कि बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिजोलिया जो शिलालेख है उसमें उल्लेख है किस शासकों का? तो आपको याद रखना है वह शासक है चौहान, ठीक है। चौहान शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है किस शिलालेख में? तो आपको याद रखना है वह शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में मिलता है क्या? चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अगला सवाल है कि बडली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है और ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है। तो ये स्थित है अजमेर में, ठीक है। अजमेर में क्या स्थित है? तो बडली का शिलालेख है जो अजमेर में स्थित है और ये अशोक के काल का पूर्व का माना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है। कौन सा युग्म है जो सही सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो वह युग्म है घटियाल जैसलमेर, ठीक है। घटियाल जैसलमेर जो है वह सही सुमिलित युग्म नहीं है। अगला सवाल है कि मारवाड़ परगना दिविगत रा लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है इसके जो लेखक है वह है मूणोत नैंडसी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है। तो आपस एक बार पढ़ो कि प्रश्न क्या है कि मारवाड़ रा परगनारी विगत का लेखक खालिस्तान है, तो कौन है लेखक? तो इसका जो लेखक है वो है मूणोत नैंडसी। अगला सवाल है कि राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो आपको याद रखना है राज प्रशस्ति का जो रचनाकार था वह था रणछोड़ भट्ट, ठीक है। रणछोड़ भट्ट वह व्यक्ति था जिन्होंने राज प्रशस्ति की रचना की थी। और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। अगला सवाल है कि घोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो शिलालेख है यह लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सा शिलालेख? तो घोसुंडी शिलालेख। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सत्सई किस राजपूत जिले के इतिहास से सरोकर रखता है? तो आपको याद रखना है यह सरोकर रखता है बूंदी जिले के इतिहास, ठीक है। बूंदी जिले के इतिहास से सरोकर रखता है कौन सा ग्रंथ? तो आपको याद रखना है वह ग्रंथ है वीर सत्सई, ठीक है। वीर सत्सई जो रचना है यह सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है और यह बूंदी जिले के इतिहास से सरोकर रखता है। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।